नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ANM और GNM भर्ती के रिगार्डिंग जो ऑनलाइन विकल्प पत्र भरने का जो ऑप्शन है वो लेकर के आया हूँ। किस तरीके से आपको भरना है, पूरा कंप्लीट वीडियो जरूर देखें। और दोस्तों, आपको अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो दोस्तों, आपको गूगल के किसी भी ब्राउजर में चले जाना है और ऊपर टाइप करना इतना rajswasthya.nic.in, ये साइट याद रख लीजिएगा rajswasthya.nic.in। उसको ओपन करने के बाद ये नज़र आएगा आप लोगों को। देखिए, यहाँ पर देखिए रघु शर्मा, अशोक गहलोत, सुभाष गर्ग, इन तीनों महानुभावों की आपको फ़ोटो नज़र आएगी। उसके ठीक नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा रहा है नियुक्ति हेतु ऑनलाइन विकल्प पत्र, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्लिक हेयर जो लिखा रहा है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। नर्स ग्रेड टू व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2018 ऑनलाइन विकल्प, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये आपके सामने इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के सामने क्या कुछ लिखा रहा है। ये डेट यहाँ पे मेंशन की गई है 24 अक्टूबर 2020 10 बजे से ये, लेकिन अब थोड़ा 11 बजे के आसपास इसे एक्टिव किया गया था। और ये देख सकते हैं 26 तारीख की रात 12 बजे तक आपको ये भरना है। सबसे पहले डेट अपने माइंड में जरूर ध्यान रखें। ये कोई 10-15 दिन की प्रक्रिया है नहीं, सिर्फ 3 दिन का वक्त मिल रहा है, इसलिए कोशिश करें आजकल में ही भरने की, तीसरे दिन का भी वेट ना करें। अब देखिए, सबसे पहले इसमें आपको दिशा निर्देश पढ़ लेने हैं। ऑनलाइन दिशा निर्देश मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या कुछ इसमें दिशा निर्देश हैं, उसके बाद आपको आगे की बात बताऊंगा। देखिए, दिशा निर्देश पहले आप जरूर पढ़िएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो दिशा निर्देश थे वो यहाँ पर जो कल वाले हैं इनको एक बार फिर से पढ़ लें, ठीक है। TSP वाले को सिर्फ TSP के ज़िले भरने हैं, नॉन TSP को नॉन TSP वाले ज़िले भरने हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM को ब्लॉक तक का भी चयन करना है। और कोई अगर नहीं भर पाता है या ज़्यादा दिमाग लगा रहा है भाई मैंने नहीं भरना, तो वो अपने जिम्मेदार खुद होंगे, उनको जो चिकित्सा विभाग देगा वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये दिशा निर्देश हैं, अब बैक चले जाइएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका है सबसे पहला लिंक है वो है फीमेल का, जो फीमेल हेल्थ वर्कर हैं यानी कि ANM है नॉन TSP का, ये भी ध्यान रखिएगा। ये 4 नंबर का नॉन TSP का है ANM का, कभी आप TSP के जिले पे सेलेक्ट करके वहाँ भर दो, गलती ना करें अपनी। 5 नंबर का जो है ये दोस्तों है आपका TSP का है, TSP के जो ज़िले हैं 5 नंबर का जो लिंक है वो TSP का है, ठीक है ना। 4 नंबर का नॉन TSP का है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कभी आप 4 की जगह 5 को क्लिक कर दो और 5 की जगह 4 को क्लिक कर दो और फिर भरने लग जाओ और फिर भर के बैठ जाओ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देख सकते हैं नर्स ग्रेड नॉन TSP का है ये दोस्तों। 6 नंबर का जो पॉइंट है नर्स ग्रेड टू यानी कि GNM का है नॉन TSP का, इसमें स्पष्ट लिखा है, गलती ना करें आप लोग। और ये जो लास्ट वाला है ये आपका है दोस्तों 7 नंबर का जो है ये TSP GNM का है। अब देखिए दोस्तों, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, जैसे आपका नॉन TSP GNM का, तो ये दोस्तों इसमें आएगा आप लोगों के संबंध में देखिए। और उसके बाद आपको ये 4 नंबर का सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पे मैं देखो क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इसमें दोस्तों 6 चीज़ें हैं आप लोगों के सामने। 6 चीज़ें में से सबसे पहली क्या चीज़ है कि ऑथेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन है दोस्तों, सॉरी। और यहाँ पर आपको फोरम आईडी दोस्तों, आपका जो लिस्ट आया था या आपके पास ओ एप्लीकेशन फॉरम है उसमें फॉरम आईडी लिखी होगी, ठीक है, वो भरनी है इसमें, ठीक है। सबसे पहले फॉरम आईडी इस कॉलम में आपको भरनी है। उसके बाद जन्म तिथि आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, जैसे कोई भी जन्म तिथि है, 6 मान लो अप्रैल का महीना है अप्रैल, फिर उसके बाद वर्ष आपको सेलेक्ट करना है, जैसे 94 का किसी का है। यहाँ पर आपको अपनी माता जी का नाम भरना है, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर भरना है, और उसके बाद ये जो आपका है ऑथेंटिकेशन इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कौन सी विंडो ओपन होगी दोस्तों, ये आपकी 2 नंबर होगी डिक्लेरेशन।
अब क्या है कि मेरे पास डेटा तो पड़े हैं लेकिन मैं भर नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको लाइव भर के दिखा देता किसी एक भी अभ्यर्थी का, तो दिक्कत नहीं आती। फिर भी दूसरे नंबर पे आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, यानी कि कुछ घोषणा करनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन का यही है, स्वयं सत्यापित कुछ आपको करना पड़ेगा, इसमें आएगा लिखा हुआ। तीसरे में आपको पोस्टिंग पैलेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। चौथे नंबर पर आप दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको लेने थे भाई 6 जिले और आपने गलत भर दिया, भाई मेरा तो पहले अलवर नहीं चाहिए, मुझे जयपुर चाहिए था, तो ऐड रिमूव, ठीक है, तो इसमें ऐड और रिमूव आप पोस्टिंग पैलेस कर सकते हैं। पांचवा ड्राफ्ट प्रिंट, यानी कि जो प्रिंट है उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और उसके बाद इसका फाइनल प्रिंट आउट ले सकती हैं। 6 चीज़ें हैं, 6 चीज़ों को बड़े आराम से, बड़े अच्छे ढंग से, गलती ना करें। पहला ऑथेंटिकेशन होगा जिसमें 3-4 चीज़ें आप लोगों की चाहिएंगी। दूसरा है डिक्लेरेशन का है, चौथा आप सॉरी तीसरा पोस्टिंग पैलेस का, चौथे में आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। कुछ जिले मान लें आपको हटाने हैं तो हटा सकते हो, कुछ जिले और ऐड करने हैं तो और कर सकते हो। चौथा ड्राफ्ट प्रिंट करना है और छठा फाइनल प्रिंट, ठीक है। तो फाइनल प्रिंट आउट भी आप इसका ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से भरना है। अब मैं बात करूं दोस्तों आपके, अगर ANM की हम बात करें तो ANM का भी इस तरीके से भरा जाएगा, उसमें भी यही चीज़ें चाहिएंगी। तो आप इस तरीके से ये फॉर्म भरें, किसी को दिक्कत हो तो दोस्तों मैसेज कर दीजिएगा, आपके सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और लिंक एक्टिव हो चुके हैं, गलती ना करें, फॉरम आईडी सही से भरें, फॉरम आईडी में गलती ना करें। फॉरम आईडी में गलती करेंगे तो आगे का जो प्रोसेस है वो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए जानकारी का वीडियो। लिंक दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो आपका है ऑनलाइन विकल्प का, ये rajswasthya.nic.in, मैं वेबसाइट का लिंक आप लोगों को दे रहा हूँ। उस वेबसाइट के लिंक पे जाकर के आप दोस्तों डायरेक्ट ये ऑनलाइन फिलअप चॉइस कर सकते हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।